बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। ऑफिस की तैयारी है जी, और ये है जी मेरा कुछ आउटफिट आज ऑफिस के लिए। तो फिलहाल ऑफिस के लिए मैं निकलने लगा हूं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह गाड़ी के पास हूँ और अभी बस बैठेंगे। यस, कल परसों मैं गया था ज़रा लॉन्ग ट्रिप पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी का जो है ना थोड़ा चेक कर लिया जाए, पानी शानी मैंने कहा देख लिया जाए ना। तो मैं बोनट खोल के अभी ज़रा चेक करने लगा, देखें गाड़ी कितनी गंदी जाती है। यही मसला है बस, ड्रग के नीचे गाड़ी खड़ी करने का यही प्रॉब्लम है। ये आपकी छांव तो आपको मिल जाती है, कलर फेड होने से बच जाता है, लेकिन आप इसके साथ साथ जो है गाड़ी गंदी करवा बैठते हो। ये जी गाड़ी की मेरी कुछ कंडीशन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते हैं अभी क्या है इसका, कम नहीं हुआ यार, बहुत इतना तो नहीं कम हुआ, नहीं हुआ बल्कि बहुत ही थोड़ा कम हुआ। इतना तो होता है, एसी है, एसी भी चलता है, गर्मी है एसी चलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले यानी बहुत कम हो जाता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ख़ास कम नहीं हुआ। ये भी तकरीबन इसका लेवल भी बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं सोच रहा था कि कभी इसकी गैसकेट वगैरह कुछ निकल ना गई हो या ख़राब हो गई हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो गैसकेट वगैरह जो है वो ख़राब हो गई है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत हद तक बेहतर है, इसको फ़िलहाल बंद करेंगे। गाड़ी गंदी है, ये देख लें ऊपर से क्या हाल हुआ हुआ है, ये देखें इधर से जी क्या हाल हुआ हुआ ऊपर से। बस ये गंदी हुई जाती है, ये इसी वजह से कचरा गिरता है ऊपर से, तो ये जो है अच्छी भली गंदी होती है। ये देखें यहाँ पे भी बुरा हाल है। चले पत्ते तो झड़ जाएंगे, लेकिन जो चिड़ियों की पॉटी है ना वो मैटर करती है, वो गंदी कर देती है गाड़ी को। ये तो चलो मैं वाइपर मार लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएं जी गाड़ी में बैठने लगा। फिलहाल KFC जी मैं ले लिया है आज लंच में, चले गए KFC। KFC जी आज लंच में हमारे पास होगा KFC। KFC का बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा KFC लेते हैं, तो KFC आज ले लिया है मैंने। कुछ ऑफर लगी हुई थी, 4 पीसेस मिल रहे थे 19 दिरहम में, मेरा कुछ 20 दिरहम लगाया तो मुझे 4 पीसेस मिल गए। नहीं फिलहाल अभी मैंने ज़रा एक काम के लिए जाना है, तो मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ, वो काम करके आते हैं इंशाल्लाह। और कुछ ग्रोसरी आइटम वगैरह लेनी है, इंशाल्लाह ग्रोसरी आइटम वगैरह लेते हैं जाके। और ये अर्जेंट काम आ गया, ये काम ज़रूरी है जी, ये काम पहले कर लेते हैं साथ के साथ ना। ये हमारा हो गया है जी सामान, अभी हम घूम रहे हैं इस साइड पे, तो सोच रहे हैं कि कुछ लिए जाए। अभी मैंने फिलहाल चिकन के हार्ट लिए हैं और एग्स लिए हैं, देखते हैं कि अभी और भी है क्या क्या मिलता है। बिस्किट वगैरह में कुछ मिल जाएगा तो सही हो जाएगा भाई। मैरीगोल्ड, गुड डे 8 रुपये का है। प्लम केक वगैरह भी रखा हुआ है। ये नमाज़ पढ़ के हम फ्री हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ बकाला में, है हमारे भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सफाइयाँ हो रही हैं? नहीं फाइनली फाइनली
केला सर कच्चा नहीं है, पका हुआ नहीं? और कोई फ्रूट भी नहीं है आपके पास? मैं एप्पल लेता हूँ ऐसे नॉर्मल। चलिए फिलहाल इसके ले लेते हैं। मौसम भी आज यहाँ जी बड़ा ज़बरदस्त अभी भी हो रहा है, बादल शादल आए हुए हैं। मैंने उन्होंने प्रेडिक्शन अभी की हुई है कि जो यहाँ पे बारिश वगैरह हो गया वो अभी करीब दोबारा पड़े। फिलहाल हम तो बस गाड़ी को बैठेंगे, हमारा हो गया है जाने का टाइम। और आज मैं हो गया हूँ लेट, एक्चुअली रात को नींद नहीं आई तो लेट उठा, तो इस वजह से जो है मसले मसाइल हो गए। अभी जी मैं पहुँचा हूँ ऑफिस, जस्ट अभी भी पहुँचा हूँ। तो फिलहाल अभी चलेंगे ऑफिस, क्योंकि आपको पता है एज़ यूजुअल सुबह लेट निकला था ऑफिस के लिए, तो तकरीबन मुझे यहाँ पे आते आते तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो। कभी कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है अगर सुबह, यानी वहाँ से लेट निकला तो सुबह यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे कभी कभी 20 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ और लेट आया हूँ, तो अभी देखें इंशाल्लाह बस पंच करते हैं और जाके बैठते हैं, क्योंकि हमारे जो टाइमिंग है वो 7:00 से हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑफिस। फिलहाल अभी पहुँचते हैं ऑफिस में और बैठते हैं, इंशाल्लाह पंच करते हैं कि बस थोड़ा सा ही टाइम है। नॉर्मली मैं आधा घंटे पहले आ जाता हूँ ऑफिस को, मैं अपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, फ्रूट्स वगैरह काटने होते हैं, तो वो मैं वही काट के अपना इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी जाऊँगा तो चलो अच्छा रहता है। हमारे ऑफिस में फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, नॉर्मली हाफ एन आवर का फ्लेक्सिबल आवर्स होता है, और ऑफिसेज में काफ़ी आवर्स होते हैं फ्लेक्सी, किसी ऑफिस में 2 आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी में 3 आवर्स होते हैं। हमारा जो है हाफ एन आवर का है, यानी हाफ एन आवर का सपोज अगर हम हाफ एन आवर लेट होते हैं तो हाफ एन आवर हम एक्स्ट्रा हमें शाम के टाइम में बैठना पड़ेगा, तो जो हमारे यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो हमारा जो है हाफ एन आवर का फ्लेक्सिबल आवर्स है, तो हम उसको जस्ट टैली करके चलते हैं। अगर हाफ एन आवर तक हम लेट आ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा लेट आएंगे तो फिर हमें जो है ये लोग पनिशमेंट भी देते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे ही चलता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज हैं उनमें जो है फ्लेक्सिबल आवर्स जो हैं वो 2 आवर्स भी होते हैं, 3 आवर्स भी होते हैं, कोई कुछ जगहों पे होते हैं वो वर्क एट होम होता है। तो फिलहाल चलते हैं ऑफिस में इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए। फिलहाल हम बस पहुँच गए, बस अभी सीधा जाना है हमने ऑफिस में, और हमने जो है कुछ दिनों से जी ऑयल मेरा बड़ा काला हो रहा है इसका, तो वही मैं ज़रा देखने के लिए ज़रा इसको कर रहा हूँ। बाकी इसका देखें काफ़ी काला हुआ है, बाकी क्वांटिटी भी कम है तो वो भी अभी डलवाता हूँ जाके। ये है जी हमारा फ्रिज, ये मेरे पास फ्राइज पड़े हुए हैं, आज सोच रहा हूँ कि फ्राइज़ बना लिए जाए। ये ले जी फ्राइज मैंने रख दिए, इसके अंदर डाल के अभी ये बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये है जी हमारा एयर फ्रायर, फ्राइज रखे हुए मैंने लगा के रखे हैं इसके अंदर, काफ़ी हद तक बन गए, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ गई अपनी चीज़ें जी। ये है मेरा स्ट्रीमर, इसमें मैं अंडे वगैरह बॉयल करता हूँ, और आज अभी मैं कर रहा हूँ जी फ्राइज बना रहा हूँ। और इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ अपने किचन में, बस भूख लग रही थी, मैंने कहा चिप्स बना लिए जाए, आलू वाले चिप्स बनाने के इरादा है। प्लेटें वगैरह धो ली जाएंगी हमारी, प्लेट हमारे रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में जो है चिप्स निकाल लेंगे। ये जी हमारे चिप्स हो गए हैं रेडी, अभी हम बिस्मिल्लाह करेंगे इसके साथ, ज़बरदस्त क्रिस्पी से बने हैं। नरम है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा आपके लिए खैर आफियत और ख़ुशी लेकर आए, और रिस्क में बरकत, जान और माल में बरकत अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपको दायमी खुशियां अता करे, हमेशा आपका मददगार हो। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का हम सबको ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।